भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया, मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्धित होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है, मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धित है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।